अभी पवन परमानिक उर्फ बांगी की गिरफ्तारी के बाद शिल्पांचल में हलचल मची ही थी कि दूसरे दिन काला कौशिक राजीव और बसंत की गिरफ्तारी की खबरों से सियासी हलचल मच गई। इस गिरफ्तारी के बाद भाजपा की तरफ से बप्पा चटर्जी की कयादत में हीरापुर थाना के बाहर एहतजाज किया गया। आज काला कौशिक राजीव साहब बसंत रॉय को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 3 दिन के लिए रिमांड में लिया गया है। साबिक काउंसलर बिरगू ठाकुर और पीयूष कांति गोस्वामी ने कहा कि साजिश के तहत इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों कृष्णेंदु मुखर्जी के करीबी बताए जा रहे हैं। कोर्ट में इसलिए आए हैं कि ममता बनर्जी का जो क्रोध चरम सीमा पर चला गया, कल जो हाई कोर्ट का निर्णय जो आया, इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को टॉर्चर जो किया जा रहा, ये तो प्रथम हीरापुर में है किया। कल रात को हमारे कार्यकर्ताओं को घर से बिना कुछ कारण के उसे अरेस्ट कर लिया गया। अलाया इसके बाद हम लोगों ने थाने में गया था, मिलने का प्रयास भी किया, मिलने भी नहीं दिया। हम लोगों ने वहाँ पर प्रतिवाद भी किया और ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हमारे मुख्यमंत्री जो है, कल का जो हाई कोर्ट का 5 जजों का जो निर्णय जो आया, इसके बाद अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भी लोगों का विभिन्न जिलों में अभी ये करेगा। कौन कौन लोग गिरफ्तार हैं? ये कौशिक और राजीव और वसंतो, ये 3 कार्यकर्ताओं को कल रात को गिरफ्तारी किया गया। और हमारे सीनियर छेले हमारे भारतीय जनता पार्टी 3 छेले के अरेस्ट कर आईन सुप्रीम कोर्टे डायरेक्शन ही आछे काउके अरेस्ट करते गेले कि कारणे ताके अरेस्ट करा होच्छे ताके एवं बाड़ी लोक के जानाते हैं। आमादेर दुर्भाग्य आमरा एमन एकटा राज्ये बास करछि, पुलिस जाना तो दूरेर कथा, आमादेर संगे देखा पर्यन्त करते दिल ना। आमरा बेश कयेकजनई छिलाम, तार मध्ये लयार छिलाम आमरा 3 जना, भिगु एवं आरो अनेकेई छिल, आमादेर संगे देखा पर्यन्त करते दिल ना। आमार संगे दुटो कथा काटाकाटि हलो ओखानकार मेजबाबुर, উনি তো প্রথমে বললেন আমি কিছুই জানি না কোন কেসে অ্যারেস্ট হয়েছে, তারপরেই উনি আমাদেরকে সরিয়ে দিতে ওখানে বললেন। আমরা এটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে, যাকে অ্যারেস্ট করবেন তার জানাতে হবে, সেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পর্যন্ত এরা মানবে না। যাই হোক, আজকে কোর্টে চালান করেছিল, ওদেরকে 3 দিনের রিমান্ড নিয়েছে, এমন একটা ঘর থেকে অ্যারেস্ট করেছে, ওই যে দেখাচ্ছে যেন ডাকাতি গ্রুপের জন্য জড়ো হয়েছিল, ওদের কাছে আম ফাম থ্যান থ্যান কী সব দেখিয়েছে, এগুলো বেরিয়েছে। যাই হোক, এইভাবে যদি মমতা ব্যানার্জি ভেবে থাকে, তার ক্রোধ বিচার ব্যবস্থার গতকাল যে হাইকোর্টের আমাদের উচ্চ আদালতের রায়টা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে আরও মানুষকে বিজেপি আরও পার্টি ওয়ার্কার দিকে এইভাবে অত্যাচার করবে, তাদের অ্যারেস্ট করবে বিনা কারণে, করতেই পারেন ওনার হাতে এখন শাসন ক্ষমতা আছে, পুলিশ এখন ওনার দাস, আমরা কিন্তু একে থেমে থাকবো না। আমরা অনেক লয়ার আছি পার্টির হয়ে, আমরা তাদের জন্য কাজ করে যাব, করছি এবং পরবর্তীকালে করে বুঝাবো। আমার দাদাকে আমার নাম পীযূষ কান্তি গোস্বামী। पिछले कुछ दिनों से अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ और हो रहा है वो हम सब के सामने है। सियासी बदलाव की आंच में आम लोग झुलस रहे हैं, जिन्हें शायद 2 वक्त की रोटी और सुकून से ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होगा। आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान में इंटरनेट सर्विस बंद है, जिसकी वजह से लोगों का रابطہ एक दूसरे से टूट गया है। ऐसे ही कुछ लोग रानीगंज हिलबस्ती में भी हैं जो अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं, पर रोज़ी रोटी की तलाश में पिछले 40-50 बरसों से यहाँ रह रहे हैं। जब सब कुछ ठीक था तो इंटरनेट ही इनका सहारा था, पर अब लगभग 10 दिनों से ये लोग अपनों के हाल खबर से बेखबर हैं। सबको यही फिक्र है कि इनके अपने किस हाल में होंगे। ऐसे में मीडिया के ज़रिए ये लोग यहाँ की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि एक आम अफ़गानिस्तानी की जान और माल महफूज रह सके। क्या परिस्थिति है अफ़गानिस्तान में अभी?
आप लोग कितना दिन से इंडिया में है? हम तो एकदम बहुत दिन से, हम तो एकदम 50 साल में रहुआ। आप लोग आना जाना करते हैं क्या? आना जाना करते हैं। कैसा अभी आप लोग का गुजर रहा है? अभी तो जो परिस्थिति है ना, तो टेंशन में है सबको, जितना काबल का आदमी है सब टेंशन में है। देखो ये हम नींद का गोली लाया, कल से नींद का टेबलेट खा रहा, इतना टेंशन में है। कितना आदमी आप लोग यहाँ पर रहते हैं? हम लोग 4 आदमी रहता है। रानीगंज में और कितना होगा? कुछ नहीं, कोई नहीं, 4 आदमी रहता है यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? आमिर खान। क्या मालूम है कैसा है, हम लोग को मालूम नहीं है किस हालत में है। अगर बंद है, टेलीफोन बंद है, कनेक्शन बंद है, हम लोग को कोई मालूम नहीं है कोई कैसा होगा कैसा नहीं होगा, जिंदा है मरा है कैसा है। कौन कौन फैमिली में आप लोग का? तो वही 6-6 लोग है, 6-6 लोग का भाई लोग का है, वो सब है रिश्तेदार हैं। तो वहाँ से अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बहुत कोशिश की है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सब लाइन कटा हुआ, शराखाने बंद है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हाँ, हम लोग इधर अपना परेशान है, कितने दिन से हम लोग खाना नहीं खा रहे, कितने दिन से हम लोग नींद नहीं होता, नींद आराम होता है, हम लोग खुद तकलीफ में है। क्या सरकार सेंट्रल सरकार से गवर्नमेंट तो वही है कि हम लोग तो कोई भी मजर आएगा, कोई भी हम लोग का देश का आदमी आएगा तो यहाँ पर सुरक्षित रहेगा और उसको मदद करेगा। क्या नाम? साबिक वजीर आजम राजीव गांधी का जन्मदिन आज देश के साथ साथ शिल्पांचल में भी मनाया गया। आसनसोल न्यामतपुर में इस मौके पे एक तकरीब मुनाकिद की गई जिसमें उनके तस्वीर और मुजस्मे पर गुलपोशी की गई। आज हमारा कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस का पार्टी ऑफिस में हमारे राजीव गांधी का जन्मदिन के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए और वहाँ राजीव गांधी को हम लोग पुष्प माला चढ़ाए, फूल दिए, इसीलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हैं। यहाँ हम लोग थे, हमारा यहाँ माइनॉरिटी का जाकिर है, MD जाकिर, यहाँ यूथ कांग्रेस का सुकांतो दास है, यहाँ बबलू है, इधर हमारे यूथ कांग्रेस का राजू है, यहाँ हमारा कांग्रेस का सलाउद्दीन साहब है और हमारे महिला कांग्रेस की है उधर, और इधर हमारा यूथ कांग्रेस के भी और है। क्या आप SSC, बैंक, रेलवे, UPSC और WBCS की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एडुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एडुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, GT रोड वेस्ट, आसनसोल 7133-04। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे AC रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें, 8207-297827।
अगर आप नॉन वेज खाने की हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट गरारा लहंगा घाघरा क्रॉप टॉप वो भी होलसेल प्राइस पर तो इसे कहीं और क्यों जाना हमजा कलेक्शन ही आना हमारा पता है रेल पार कुरैसी मोहल्ला नियर ऑटो स्टैंड अब अपने फेवरेट ब्रांड्स के टू व्हीलर के लिए हर जगह भटकने की जरूरत नहीं क्योंकि अब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है आसनसोल बाइक बाजार ने आसनसोल बाइक बाजार टू व्हीलर शोरूम एंड सर्विस सेंटर लुक और स्टाइल की बात हो या हो माइलेज की आपकी पसंद के मुताबिक हर ब्रांड के टू व्हीलर्स आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे आसनसोल बाइक बाजार आपको देता है एक्सचेंज और फाइनेंस की फैसिलिटी तो जिंदगी की रफ्तार को थमने ना दे तो देर किस बात की आज ही आए आसनसोल बाइक बाजार गोराई रोड इस्लामपुर कॉन्टेक्ट नंबर 7047957275 एंड 9563900078 नौजवान इस्लामपुर और रहमत नगर नौजवान अहले सुन्नत सोसाइटी की जानिब से कल शाम जलसे का इनेकाद किया गया जिसमें मकामी और बैरूनी मुकर्ररीन और शोरा इकराम शामिल हुए जो तुम्हारा पड़ोसी हो उसके साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ हदीस के अंदर आता है फल युक्रिम ला युजी जारा अपने पड़ोसी का एहतराम करो फला युजी जारा उसे जो किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और पड़ोसी के इतने हुकूक बयान किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लगा खतरा बन रहा है कहीं जो है अल्लाह ताला जो है पड़ोसी को मीरास में बारिश न बना दे ये पड़ोसी कहाँ पे हमारा पड़ोसी के साथ क्या करते हैं पड़ोसी के साथ हमारा क्या रवैया होता हमेशा हर वक्त तकलीफ पहुंचाने के लिए राह खोजते कभी जो है अपने पड़ोसी के आराम पहुंचाने की फिक्र भी कर लिया कीजिए ये दोस्तों आपकी दावत पर झारखंड से नाथा मद्दाह रसूल जनाब कारी फिरदौस कौसर साहब की तशरीफ फरमा है तशरीफ लाए हुए हैं और आपके मेहमान मुकर्रर जो पुरलिया से बड़े आलिम दीन तशरीफ लाए हैं वो भी हैं जमकर बैठे बड़ी कारामत बातें बड़ी मुफीद बातें और बड़ी वलवला अंगेज खिताब भी आपको सुनने को मिलेगा होती है उसकी बालियों में कमी होती है
आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 की जानिब से कल शाम एक इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें टीएमसी जिला सदर विधान उपाध्याय, एएमसी 106 वार्डों के कॉन्वेनर वी शिवदासन दासू और आईएनटीटीयूसी के जिला सदर अभिजीत घटक को सम्मानित किया गया। ब्लॉक सदर उत्पल सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा, आज पश्चिम बर्धमान जिला আমাদের যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার সভাপতি হয়েছেন মাননীয় বিধান উপাধ্যায়, আইএনটিটিইউসি সভাপতি অভিজিৎ ঘটক এবং কোঅর্ডিনেটর কনভেনার হয়েছেন ভি শিবদাসন দাসু জালাল সাহেব, তাদেরকে নিয়ে সমস্ত কাউন্সিলরদের নিয়ে আসানসোল নর্থ ব্লকে আমরা তাদেরকে সম্মানিত করলাম। এবং এর পাশাপাশি আমরা আগামী যে পুরসভা নির্বাচন তার প্রস্তুতির দামামা বাজিয়ে দিলাম। আমাদের লক্ষ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বার মা মাটি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার সমস্ত পুরসভা আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দখলে থাকবে, এইটাই ছিল আজকের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আমাদের সমস্ত কর্মীদের মধ্যে একটা আনন্দ, একটা উচ্ছল মনোভাব নিয়ে সবাই একত্রিত হয়েছিলাম। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি, মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आज आसनसोल के प्रतिष्ठित संस्था राजहंस का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है, आज एक नए शोरूम का। तो आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से उनके पूरे सपरिवार को हम लोग शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह आसनसोल के हर कोने में उनका एक शोरूम खुले। हमें याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो आसनसोल में राजहंस की जो एक शोरूम थी उसको बंगला फिल्म के सबसे विख्यात जो कलाकार थे रंजीत मल्लिक जी राजहंस का ओपनिंग किए थे आके, हम लोग अपने छोटे उम्र में देखे हैं। और आज आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल जी और मैं सचिव समूहनाथ झा आज यहां पर हम लोग उद्घाटन करके अपने आप को रंजीत मल्लिक समझते हैं हम लोग, आज कि आज के रंजीत मल्लिक हम लोग हैं। तो इसलिए उनके सारे परिवार को हम लोग शुभकामना देते हैं कि आगे इसी तरह वो लोग बढ़ते रहें और हर क्षेत्र में ऐसा शोरूम खुले और हम लोग आकर ओपनिंग करें। फ्रेंड्स हैं जिसे हम बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, राउंड टेबल है, मेवाड़ युवा मंच है या काफ़ी संस्थाएँ जुड़े हुए हैं। उसमें क्या होता है कि लोगों को बोलते हैं कि मार्केट में आइए मार्केटिंग करने के लिए, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने कंजेस्टेड एरिया में नहीं आएंगे। प्लस क्या है कि आसनसोल में खूब अच्छा कलेक्शन, जो कैलकाटा टेस्ट का कलेक्शन है वो यहाँ नहीं मिलता है। तो वही सोच के ये शोरूम का बनाया गया है कि कैलकाटा की पार्कशीट की दुकान आसनसोल के जीटी रोड में हम लोग खोल रहे हैं। किस तरह के प्रोडक्ट होंगे, किस तरह की रेंज में होंगे? साड़ीज रहेंगे इसमें, मेनली साड़ीज है, लहंगा है और इंडो वेस्टर्न वेयर है और रेडीमेड, टोटल एथनिक वेयर है। वेस्टर्न वेयर हम लोग नहीं रख रहे हैं और एथनिक वेयर भी ब्राइडल कलेक्शन सब थोड़ी अपर रेंज की, मतलब थोड़ी स्टैंडर्ड रेंज। जैसे साड़ियाँ रहेगी आपकी 1500-2000 से स्टार्ट करके 15000 तक की साड़ियाँ हैं, 40-45000 तक की रेंज की लहंगे हैं और बाकी जो गाउंस है, क्रॉप टॉप्स है, सूट वगैरह है वो भी अच्छी रेंज में मिलेगी आपको।
मतलब खूब लो क्वालिटी नहीं रख रहे हैं, जो भी रख रहे हैं खूब अच्छी क्वालिटी में ही रख रहे हैं। आप लोग क्या महिलाओं को प्राथमिकता देकर ये प्रोडक्ट रखे हैं? हाँ, ये टोटल आइटम ही लेडीज आइटम ही है, जेंट्स की कोई आइटम नहीं है। लेडीज एथनिक वेयर की शोरूम है और मेनली है साड़ीज, लहंगा और सूट्स। নতুন ভাবে আবার প্রক্রিয়া শুরু হলো, তো আমাদের প্রিন্সিপাল সাহেব বিবি কলেজের উনি নিযুক্ত হয়েছেন, মানস দাস আমাদের প্রাক্তন বড় চেয়ারম্যান উনি নিযুক্ত হয়েছেন, চন্দ্রশেখর কুণ্ডু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওখান থেকে ওখানে কর্মরত উনি ওখান থেকে আপনি নিযুক্ত হয়েছেন, আর বাকি যারা রয়েছে তারা তো পুরনো মেম্বার রয়েছে, তো প্রত্যেকেরই নিজের নিজ জায়গায় কাজ করার একটা অভিজ্ঞতা আছে, তো সেই অভিজ্ঞতার মধ্যেখান দিয়েই নতুনভাবে আমরা আমাদের ভাবনা চিন্তাটাকে শুরু করব, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন যে সুন্দর পশ্চিমবঙ্গ, এবং আমাদের যেটা স্বপ্ন আমাদের যেটা ভালোবাসা যে সুন্দর আসানসোল তৈরি করব, সেই সুন্দর আসানসোল তৈরি করবার জন্য আমরা আজকে সবাইকে একত্রিত করে আমরা নতুন বোর্ড মিটিং এখানে ডাকার আজকে ব্যবস্থা করেছি। আমরা বিভিন্ন রকম আলোচনা করব কীভাবে আগামী দিনে আমরা সুন্দরভাবে কাজকর্ম করতে পারি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ, ভালো।